नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल फूड साइंस और टेक में। मैं आपका होस्ट कम दोस्त राकेश चौधरी आज आपको एक स्टोरी लेके आया है, फूड रिलेटेड स्टार्टअप की स्टोरी। कैसे सक्सेसफुल फूड रिलेटेड हम स्टार्टअप्स कर सकते हैं, एक मोटिवेशन स्टोरी है आपके लिए। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगी। स्टोरी शुरू करने से पहले तो दोस्तों, नीचे लाल कलर का बटन दिया होगा जिस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन दिया होगा उसे भी दबा देना है, ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आऊं फूड टेक के रिलेटेड आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे नम्या फूड के बारे में। जी हाँ, नम्या फूड जो कि एक सुपर फूड स्टार्टअप है। सुपर फूड मतलब कि अ फूड विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जिस फूड के अंदर भर भर के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो उसे हम सुपर फूड कहते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल दोस्तों, समझ आ गया होगा सुपर फूड क्या होते हैं आप। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस नवे फूड के बारे में। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताऊंगा इस नवे फूड के बारे में। तो नम्य फूड दोस्तों एक बेहतरीन आयुर्वेदिक रिलेटेड कंपनी है। मतलब कि अगर कह सकते हैं कंपनी की अगर हम नी देखें तो वो है आयुर्वेद। दोस्तों आयुर्वेद का तो आपको पता ही होगा, भली भांति आप जानते भी होंगे आयुर्वेद के बारे में। तो इनकी एक फिलोसफी थी, मैं आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं, आपसे तो बताना चाहता हूं सबको कि जब इन्होंने ये प्रोडक्ट जब इन्होंने अपना स्टार्टअप लॉन्च करा, इनकी एक फिलॉसफी थी कि जैसे पुराने जमाने में हमारी हेल्थ थी जो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहती थी लोगों की, हमारी तो छोड़ो, पुराने जमाने में जो लोगों की जो हेल्थ होती थी बहुत ही फिट होते थे वो, बहुत ही ज़्यादा कुछ भी खा लेते थे और सब कुछ ही डाइजेस्ट कर लेते। क्यों? क्योंकि उन्हें काम करना पड़ता था बहुत ही दूर। जो भी आजकल हमारी टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं वो उन्हें खुद अपने हाथों से काम करना पड़ता था, तो करके वो सारा फूड अपना डाइजेस्ट कर लेते थे एज कंपेयर टू टुडे। तो इसी रिलेटेड जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी में हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दे दिया है, जो काम हम हाथ से करते थे वो अब एक स्विच से हो गया। जैसे पंखा था, हम पंखे को ऐसे हिलाते थे कुछ ना कुछ तो करते ही थे, अब एक स्विच दबाइए और सारा काम खत्म। मतलब टेक्नोलॉजी ने हमें साथ तो बहुत दिया है, फायदा तो बहुत दिया, पर कुछ कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान ऐसे करा कि हम जो भी अब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हम अपने फूड को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जी हाँ, ये कंपनी इसी रिलेटेड है कि इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट निकाले हैं अपने जो कि आपके डाइट के रिलेटेड, आपकी जो फिटनेस के रिलेटेड जो होने वाली फ्रस्ट्रेशन और जो आपको कंफ्यूजन होती थी कौन सा फूड खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, वो सभी इस कंपनी ने दूर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद। तो दोस्तों, ये बेहतरीन और बहुत ही अच्छी कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा गाइस इनकी स्टोरी को जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस साइड पे जो आपको फोटो दिखाई दे रही है वो है दोस्तों फाउंडर, फाउंडर है नम्य फूड की। जी हाँ, इनका नाम है रिधिमा अरोड़ा। जी हाँ, वो एक लड़की है, एक गर्ल है और आप देख सकते हैं बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप चला रही हैं। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। रिधिमा अरोड़ा जी अपनी बीटेक कर चुकी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में और साथ ही साथ में इन्होंने एमबीए करा है मार्केटिंग में। तो दोस्तों, रिधिमा जी रहती हैं JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। तो रिधिमा जी बहुत ही अच्छी तरह ऑपरेट कर रही हैं कंपनी को, इस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप चला रही है। साथ ही साथ पे रिधिमा जी ने सर्टिफिकेशन करी है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंस एसोसिएशन से, वहां से ये सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मतलब कि ये हाईली एजुकेटेड हैं
दोस्त अगर इनकी करियर की बात करें तो इन्होंने स्टार्ट करा था लावा से, लावा इंटरनेशनल से। यहां पर उन्होंने कम से कम 4.5 ईयर का वर्क करा और बाद में उस जॉब से क्विट कर दिया। जो कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस आ चुकी थी जिसकी वजह से इन्होंने उसे क्विट करा और नम्या को स्टार्ट करा। तो चलिए दोस्तों, अब इनकी जर्नी के बारे में बात करें, कैसे उन्हें मोटिवेशन आई इस स्टार्टअप को शुरू करने की। तो मेन जो असली जर्नी जो स्टार्ट हुई वो हुई रिधिमा जी के फिट लाइफस्टाइल को लेकर। तो रिधिमा जी ने अपने लाइफ में 2 साल के अंदर 30 किलो वजन को कम कर लिया, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तब उन्होंने पाया कि हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है और फूड इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एक सिंपल ओट्स बिस्किट में ओट्स कम और मैदा ज्यादा और शुगर ज्यादा होती थी, ओट्स ना मात्र होते थे। और ब्राउन ब्रेड, जिसे हम ब्राउन ब्रेड ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स जो ज्यादातर अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे, वो लोग जो कंपनी से बना रही थी वो ब्राउन ब्रेड का और व्हाइट ब्रेड का कलर वर्जन होता था। तब उन्हें कुछ मेजर डिफरेंस दिखाई दी। असली चेंज तब आया जब उनके पिताजी बीमार हुए, उन्हें लीवर सिरोसिस हुआ। तब उन्होंने कुछ रिसर्चेस करी और पाया कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत ही कम है और हमारे फूड इंडस्ट्री ने सारा मार्केट लिया हुआ है और फूड का कोई रोल ही नहीं है अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए। कोई भी ऐसा फूड मार्केट में नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमारी हेल्थ सुधर सके, इंडस्ट्री उसे बनाए कोई ऐसा कोई है नहीं। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के रिलेटेड ही कोई अपना स्टार्टअप्स निकालेंगे। हालांकि उनके पिताजी अब ठीक हैं, बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। तब उन्होंने एक लिस्ट बनाई, इंग्रेडिएंट लिस्ट बनाई कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट वो मेनली इंक्लूड करेंगे अपने स्टार्टअप्स में। तब उन्होंने नोटिस करा, हम जब छोटे होते थे हमारी नानी जो दादी के घर में जाकर हमें सत्तू मिलता था, गूंद की तीरे के कुछ डिशेस मिलती थी। ये गाइस की फोटो मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, गूंद की तीरे की अपनी फोटो यहाँ पे डाल दूंगा। तो हम कैसे इन्हें अपने डाइट में इन्वॉल्व करते थे, ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देती थी और हमारी हेल्थ को सुधारती थी। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो नानीज और दादीज का फूड इंक्लूड करेंगे अपने स्टार्टअप्स में और साथ ही साथ में वो कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करेंगे और सारे जो प्रोडक्ट होंगे वो सारे आयुर्वेद पे ही आधारित होंगे। तो इनकी कंपनी की कुछ फूड लिस्ट है दोस्तों, जो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, आपको तस्वीर दिखेगी अभी। तो पहला इनका था आयुर्वेदिक टी, जो कि 7 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, एक्टिव जड़ी बूटियों से बनती है। दूसरा है हमारा हर्ट टी, अपने हमारे हर्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन टी। तीसरा है इनका हमारी इम्यूनिटी बूस्टर लाते। लाते दोस्तों आपने दूसरी तो बहुत पी होगी अपने रेस्टोरेंट में जाकर, इन्होंने इम्यूनिटी बूस्टर लाते निकाला। सत्तू इन्होंने निकाला, नेचुरल आलमंड ड्रिंक निकाला, हमारा ब्रेन फूड निकाला। ब्रेन फूड मतलब ये जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 ज्यादा, जो हमारी माइंड को इनरिच करते हैं, जैसे कि बादाम हो गए, सारे जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो ज्यादातर ओमेगा 3 ओमेगा 6 में रिच होते हैं। तो उन्होंने ये सारी चीजें निकाली, ग्रीन टी निकाली, जो सारी चीजें वो हमारे हेल्थ के रिलेटेड बहुत ही बेनिफिट देने वाले थे। उन सभी का लिंक, इन सभी जो आपको मैंने चीजें दिखाई सभी का लिंक, अमेजोन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोस्तों जरूर एक बार चेक जरूर करिएगा, अगर आपको पसंद आया तो उसे जरूर खरीदिए खरीदिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं
इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, कैसे इन्होंने मार्केटिंग करी अपने प्रोडक्ट की। जैसे कि आपको मैंने शुरुआत में वीडियो में बताया था कि ये एमबीए करी हुई है इन्होंने मार्केटिंग में, तो इनकी मार्केटिंग स्किल थे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अब बहुत ही रिच होने वाली थी। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को सेल करा ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, बड़ी बड़ी वेबसाइट पे, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईबे हो गया, और बहुत ही जो बड़ी बड़ी हमारी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उन्होंने इन्होंने वहां पर उसे सेल करा। और साथ ही इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई जिसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अमेजोन का दोस्तों मैंने अमेजोन का लिंक दिया, अगर आपको प्रोडक्ट को खरीदना होगा तो आप नीचे अमेजोन पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाइस इनकी प्रेजेंट स्टेटस, अभी प्रेजेंट में कैसे हैं 2019 और 20 के बारे में। तो दोस्तों ये अभी प्रेजेंटली ये जम्मू कश्मीर में परफेक्ट अपना सक्सेसफुल रिटेल स्टोर खोल चुके हैं। इनका प्रोडक्ट 180 प्लस कंट्रीज पे सेल हो रहा है। और ये अपने 40% प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट से सेल कर रहे हैं, मतलब ये स्टार्टअप कराता है, इन्होंने शुरुआत करी थी कुछ से और अब बहुत कुछ हो चुका। अगर दोस्तों मैं इनकी सेल्स के बारे में बात करूँ, अगर आप कहोगे कि इन्हें सेल्स कैसी हो रही है, क्या ये क्या कोई प्रॉफिट कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, दोस्तों अगर सेल्स की बात करूं तो ये अगले साल इन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था कि ये अगले साल 1 करोड़ की अपनी आइटम्स बेचने वाले हैं, 1 करोड़ की। तो आप समझ सकते हैं पहले कितना प्रॉफिट हुआ होगा। और इनकी बड़े बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट और बड़े बड़े कंपनियों से बात चल रही है, जैसे कि मिल्क बास्केट हो गई और हमारी ऊबर प्लेटर हो गई, इन सभी से इनकी बात चल रही है। तो देखा आपने दोस्तों इस कुछ एक स्टार्टअप के बारे में, नर्मिया फूड के बारे में आपको जाना, आपकी स्टोरी बताई उनको मैंने, कैसे उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, तो इसे सीखने में हमें क्या मिलता है। दोस्तों सीखने में हमें ये मिलता है कि अगर कोई भी जेंडर हो, पहली बात लड़कियों को लगता है हम ये स्टार्टअप नहीं कर पाते, पर ये बिल्कुल गलत है, लड़के ही कर पाते, बल्कि लड़के कुछ नहीं कर पाते, लड़कियां ही कर पाती हैं। अगर आपके अंदर किसी जिद है किसी चीज को पाने के लिए, सर्च करिए गाइस, गूगल दे रखा है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, गूगल पे जाके सर्च करिए, सब कुछ आपको मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप सर्च करेंगे, क्रॉलिंग करेंगे थोड़ी गूगल पर जाकर, तो सब कुछ मिलता है। शुरुआत में डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी जीरो से हीरो नहीं बन जाता, और सीधा डायरेक्ट 1 करोड़ की सेल नहीं कर लेता। शुरुआत 10 रुपए से होगी, एक ना एक दिन 1 लाख बनेगा, बाद में 1 करोड़ बनेगा। बस चाहिए तो आपके अंदर जिद, कुछ चीज को पाने की, कुछ चीज को करने की। तो चलिए गाइस यही थी मेरी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ मोटिवेशन आई होगी कि कैसे हम अपना फूड इंडस्ट्री का स्टार्टअप खोल सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और चलिए गाइस एक टारगेट लगाते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको कम से कम 50 लाइक्स करने होंगे, तो मैं इसका नेक्स्ट और लेके आऊंगा ऐसे स्टार्टअप स्टोरीज। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।